हम किसी भी कीमत पर देश की मणि को अर्थात मणिपुर को जलने नहीं देंगे। बीरेंद्र सिंह को वहाँ इस्तीफा देना चाहिए ताकि वहाँ की स्थिति सामान्य हो सके। चीन और पाकिस्तान का तो नाम बदनाम है, ये भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है। कितनी मजाक की बात है, प्रधानमंत्री ने लक्ष्यदार भाषा का प्रयोग करते हुए ये कहा था हम आपको 15-15 लाख रुपए देंगे, किसने मना कर दिया था भाई? कहा था हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, खुद आप हेलीकॉप्टर में घूमते रहते हैं सुबह से शाम तक। प्रधानमंत्री तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है किसी भी हिंसे की, किसी भी दंगे की, और शायद मुख्यमंत्री भी उन्हीं की नीति और रीति पर चलने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज, मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कैसे बड़ी फोर्स, एक बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है ताकि यहां पे जो प्रदर्शन चल रहा है उसको मेंटेन किया जा सके। मणिपुर को लेकर बता दें कि मणिपुर जो जल रहा है, काफ़ी दिनों से दंगा भड़का हुआ है, उसी को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के ऑफिस में प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी तुम इस्तीफा दो, मोदी तुम चुप्पी तोड़ो, मोदी तुम चुप्पी तोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर कितनी बड़ी संख्या है, पुलिस फोर्स भी काफ़ी संख्या में तैनात है। जैसे कि आपने देखा ये प्रदर्शन के बाद लगातार पुलिस फोर्स जो उपलब्ध थी यहाँ पे, उन्होंने लोगों को डिटेन कर लिया, उसके बाद काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। राहुल जी लगातार प्यार मोहब्बत और अपनी मतलब भाईचारे की बात करते हैं और आज मतलब इतने दिन कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक उन्होंने एक ही बात करी, आज तक राहुल गांधी ने लड़ाई झगड़े दंगे की बात नहीं की है। अगर वो शांति स्थापित करना चाहते हैं मणिपुर में, कोई तो नेता है जो जा रहा है वो कर रहा है, क्यों वहाँ रोका जा रहा है? ये सोची समझी साजिश के कोई मतलब शिक्षा की बात ना करे, रोजगार की बात ना करे, गर्णिया उसकी गैस की बात ना करे, कोई डीजल पेट्रोल की बात ना करे, गरीब पक्के मकान की बात ना करे, किसान MSP की बात ना करे। ये सारा षड्यंत्र 2024 के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आप बताइए, मैं कह रहा हूँ आप ये सब सोची समझी चाल है। चीन और पाकिस्तान का तो नाम बदनाम है, ये भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है। ये सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, दंगे लड़ाई फसाद सब ये इनके स्क्रिप्ट में है। आने वाले वक्त में देखना, ये तो एक झांकी है मणिपुर। तो जैसा कि आपने देखा कैसे लगातार आक्रोश बना हुआ है, क्योंकि डिटेन भी कर लिया गया है लोगों को यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हेल्प करके आता है तो फिर वो मेट्रो में घूमता है, तो लड़ाई नेता और अभिनेता के बीच में भी है, ये बात अब स्पष्ट होती जा रही है इस देश में। तो वो वीरेंद्र सिंह तो देने जा रहे थे इस्तीफा, जनता का लोग जो प्यार था छोड़ दिया लोगों ने। कितनी मजाक की बात है, आप मुझे बताइए, ये तो वही बात हो गई कि जब प्रधानमंत्री ने लक्ष्यदार भाषा का प्रयोग करते हुए ये कहा था कि हम आपको 15-15 लाख रुपए देंगे, किसने मना कर दिया था भाई? आपने मना किया था, हमने मना किया था, देश की जनता ने मना कर दिया था, कि अंधभक्तों ने मना कर दिया था। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसने देने के लिए मना किया था? आप बताइए मुझे, जनता ने मना किया था, पत्रकारों ने मना किया था, कि हमने मना कर दिया था, कि अंधभक्तों ने मना कर दिया था? आपने कहा था हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, खुद आप हेलीकॉप्टर में घूमते रहते हैं सुबह से शाम तक, खुद टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करके टेलीविजन पे बने रहते हैं, किसने मना किया था आपको हवाई जहाज में घुमाने के लिए हवाई चप्पल वालों को? जनता ने, हमने, अंधभक्त ने। ये बहुत मजाक की बात है, वहाँ की जनता क्यों मना करेगी? और उनको इस्तीफा इसलिए भी देना चाहिए, आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री मेतई समुदाय से आते हैं और मेतई समुदाय को एक विशेष दर्जा मिले, इसी चीज़ को लेकर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों का विरोध है। और जब तुम्हारे ही खिलाफ विरोध है, तुम्हारी जाति के खिलाफ विरोध है, ऐसी स्थिति में आपको इस्तीफा दे करके दोनों समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक पहल करनी चाहिए, बातचीत करवानी चाहिए। कौन करेगा आखिर बातचीत? प्रधानमंत्री तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है किसी भी हिंसे की, किसी भी दंगे की, और शायद मुख्यमंत्री भी उन्हीं की नीति और रीति पर चलने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज का हमारा प्रदर्शन मुख्यतः इसी बिंदु को लेकर के है कि एन बीरेंद्र सिंह को वहां इस्तीफा देना चाहिए ताकि वहां की स्थिति सामान्य हो सके। तो उन्होंने इस्तीफा देने की कोशिश तो की थी, फाड़ दिया गया था। अभी आपको मैंने 5 मिनट एक्सप्लेन किया, दिक्कत यही है कि आप लोग सुनते नहीं हो कुछ भी, आप सिर्फ सवाल पूछते हो। इतनी देर तो आपको एक्सप्लेन किया मैंने, और मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि इस देश में नेता और अभिनेता की लड़ाई के बीच में, जब नेता वहाँ गया, अभिनेता जब अमेरिका में था तो नेता मणिपुर के बीच में था, राहुल गांधी जी जब वहाँ पर थे वहाँ भी उनको रोकने का प्रयास किया गया, वहाँ से जब वो वापस लौट करके आए, आज तक समेत तमाम चैनल्स जो दिन रात नरेंद्र मोदी की भक्ति करते हैं आज वही लिख रहे हैं इस बात को कि राहुल गांधी के वहाँ लौटने के बाद
वहाँ की स्थिति सामान्य हुई है, बहुत विशेष कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन उनके लौटने के बाद फिर से वो पटकथा 2024 के इलेक्शन को लेकर के लिखी गई थी मणिपुर में, आज फिर उसको दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। हम किसी भी कीमत पर देश की मणि को अर्थात मणिपुर को जलने नहीं देंगे, हिंसाग्रस्त नहीं होने देंगे, चाहे फिर हमें कुछ भी करना पड़े। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे काफ़ी लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है और इनमें काफ़ी आक्रोश है कि हम मणिपुर को जलने नहीं देंगे। मणिपुर जो है वो देश की मणि है, हम उसे जलने नहीं देंगे और लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे।